तो सुबह हो गई है हमारी और खाना भी बन गया है, रोटी सब्जी। निशु भिंडी काट रही है भुजिया पापा के लिए, उनका भिंडी बहुत फेवरेट है। धूप भी निकल गया है, 6:30 या 7:45 हो रहा है कुछ ऐसे। गाय खा रही है आज वो नहीं दौड़ रही है, कल तो परेशान कर दी थी सबको, डर जाते हैं हम लोग तो भागने लगे थे। पूछिए नहीं आप लोग। सो गया, उठ गया है? उठ गया तू बदमाश बचा हो गया, रात को रो रहा था 11 बजे रात को कितना सारा। आओ पता से कैसे मालूम तेरे को कि इधर मम्मी है, उतना दूर से चल के आ रहा है चुपचाप से। हाँ इधर आओ, सामने आओ। क्या खाओगे? नहीं। दाल चावल? हाँ तो पिज्जा खाऊंगा। पिज्जा यहाँ नहीं मिलता है, दूसरा कुछ बता। अच्छा ठीक है, पिज्जा शाम को मंगा देंगे, अभी बताओ क्या खाओगे। दाल चावल? रात को क्यों रो रहे थे? दाल चावल। हाँ हमको मालूम है, 2 दिन आए हुए हो गया, अब तेज तेज आवाज निकल रहा है। केक मौसी से केक मंगा देंगे। तीन गो पिज्जा 3 गो केक, बाप रे तो ज्यादा हो जाएगा। और क्या खाओगे बताओ, क्या खाएगा बोल, क्या खाएगा पत्थर? गोदी में बैठूंगा। गोदी में बैठेगा, चल बैठ जा। बता दो तो क्या है। बाबू तो मालूम है ना, सीधा है ना, क्या है? और जो सीधा है वो दिखाओ। वो क्या है पास? देखो ये क्या है, क्या है का? बताओ क्या है? तो ये आ गया हमारा नीम वाला दतुवन, इसका पत्ता ही लेके जाना है सुखा के। पार्थ क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? सुना हाय बोलो। बहुत दिन के बाद। तो चाची जा रही है पूजा करने अपना लोटकी लेके, और पार्थ और अनवी इधर बैठा हुआ है। लो सुबह सुबह उठ के, पार्थ ये लो इससे बरस करो, आज आप लो। तीता लग गया, दे देखते हैं क्या होता है, दे दो। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कड़वा लग रहा है इसको। पानी चाहिए? क्या खा रहा है पार्थ? इधर देखो तो पार्थ, इधर देखो, इधर देखो, इधर। पहला बार ही खट्टा लग रहा है, अब नहीं लग रहा खट्टा। Thank you.
बाबू किनारे नहीं खेलो बच्चा, इधर बीच में आओ, बीच में आ खेलो। ये जो फोटो खींचा था यहाँ नीसू फोटो खींच रही है बाबू के साथ। बाबू म्याऊ बन जा रहा है तो इसको लग रहा है मोबाइल में म्याऊ बन जा रहा है, सुन रहा है मेरा सिंह आ गया कहाँ से तो हटा रहा है, उसको लग रहा है कि आँखों पर चश्मे ना है तो उसमें कहाँ से लग गया। ये ऐसा ही कॉमेडी करता है, कहोगी ना आगे पास पढ़ो तो कहेगा ना एक दो, कहोगे आगे पढ़ो तो कहेगा आगे पढ़ो एक दो आगे पढ़ो, यो कहेगा। बिलाइया लगा जिन कहाँ चला गया, डांस ना कर पोज दे रहा, फोटो शूट चल रहा, नीसू जा रही है तो अपना टाइम पास कर रही है, टाइम पास पर डांस करो। ओके ओके दे दो, बाय पर बाय कर दो पार्थ, बाय कर दो तू पार्थ, बाय कर दो, चलो चलो चुप करो बाबू, हाथ पे हाथ पे, देखो देखो मौसी चिपका रही है, हाँ ये हाथ पे चिपका जाएगा, देखो पार्थ के हाथ पे चिपकेगा, आप लोग देखो मम्मी आपका क्या है, चिपका नंदन जल्दी खराब मत करते ना, इसको चिपका देना, आ जाओ बाबू आ जाओ, हाथ दो पार्थ, आ जाओ चिपका यहाँ पे, यहाँ पे हम को भी चिपकाती हुई छुराली पर, लो ये भी चिपका, पार्थ का टैटू बन रहा है, पार्थ टैटू बन रहा, बाबू को अच्छा लगता है ना, वही उतर गया। हम लोग बचपन में बड़ी करते थे लेकिन तब पॉलिथीन बनाते था, कागज को पानी से भिगाना पड़ता था, ओ देखे पार दिखा दिखा क्या क्या है, अच्छा से दिखी ना रहा पार्थ का, दिख गया दिख गया, देखो म्याऊ लॉयन और ये क्या है स्पाइडरमैन, कैसा लग रहा है पार्थ, कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा, आप दूसरा चिपका दो, ना ना अरे नहीं एक चिपकाओ, इसका हाथ गंदा हो जाओ लो, सबसे नमक देखोगे, थोड़ा सा और, हजार थोड़ा सा और ले लीजिएगा, मिर्चा पूरा ही डाल दीजिए, थोड़ा तीखा रहता है तो अच्छा लगता है, सरसों पाउडर कब पड़ेगा, जब ही सूख जाएगा थोड़ा तब, नहीं अभी पचल के तब धूप में जाएगा, थोड़ा सा तेल भी पड़ेगा अभी, यहाँ पे है अब बस इसमें तेल पड़ेगा, सरसों पेस्ट, पेस्ट नहीं पाउडर ना, थोड़ा सा एक एक चम्मच तेल देखो मिलाई
सेम टू सेम आम के अचार जैसा है ना, बस मसाला कम कर ना। तो हम इसमें डाल रहे हैं, ये अचार का मसाला है, मतलब जब होता है ना इसमें सिर्फ मिर्ची पाउडर नहीं है, बाकी सारे मसाले हैं, हल्दी पाउडर नहीं है, नमक थोड़ा सा है इस मसाले में, बाकी अजवाइन, मंगरेल, मेथी, सौंफ, जीरा, धनिया थोड़ा सा, और जो सारे मसाले होते हैं ना और मस्टर्ड सीड्स के सारे पाउडर बने हुए हैं, तो उसको हमने लगभग 1.5 बड़ा चम्मच डाला होगा, मुझे ऐसा लगा अंदाज से, क्योंकि पेपर से डाला तो हमें उतना अंदाज नहीं है, हाथ से डाला होता तो पता चलता। और इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे हम, अच्छे से एकदम मिला लेंगे। ये दिख भर इतना रहा है बट सूखने के बाद बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि ये बिना गुठली वाला अचार है, छिला हुआ है, तो सूखने के बाद एकदम पतला पतला सा हो रहा है। तो हम इसे लेके जा रहे हैं धूप में सुखाने के लिए। आम का अचार डाला है हम लोगों ने, बच्चों वाला अचार है ना ये बच्चों वाली रेसिपी है अचार की। सो इसे हम चारों तरफ फैला के सूखने देंगे, इसे हमें 2 से 3 दिन सुखाना है, तो अच्छे से ज़्यादा दिन तक जाता है, मतलब हम लोग के यहाँ तो 2-2.5 साल भी चला जाता है, ये ख़राब नहीं होता, जैसे आम का अचार रहता है ना वैसे ही ये भी रहता है। अचार पड़ गया, बच्चों वाली अचार है ये, ऐसा अचार बच्चे डालते हैं, बड़े नहीं, बड़े भी डालते हैं, बट बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है, हम लोग तो ऐसे ही खा जाते हैं अचार ये वाली, 1-2 दिन बाद तो पूरा ख़त्म कर दे हम लोग, हम लोग का बस चले दो, बहुत धूप है ऊपर, इतना ही देर में सर घूम गया, इतना टाइट धूप है। चॉकलेट, चॉकलेट देते हैं, पानी भर दे, यानी पानी कुंती रहे अगर तो पानी तक रहे बाबू चॉकलेट मौसी लेके आ रही है। देखो दाल रोटी एक, करेला का भुजिया, लौकी है, दाल लाए हैं बाबू के लिए। अच्छा ठीक है मम्मी चॉकलेट लेके आती है, 1 मिनट रुको।